हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है षटकोणीय निविड संकुलन, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या शार्ट में हम लिखेंगे HCP। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम षटकोणीय निविड संकुलन के फिगर को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको षटकोणीय निविड संकुलन का एक फिगर दिखाया गया है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो निविड संकुलन है वह त्रिबीमी है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं त्रिबीमी षटकोणीय निविड संकुलन। आप देखिए, एक बीमा इधर वाली है, दूसरी बीमा ये पीछे वाली और तीसरी बीमा ये ऊपर वाली, अर्थात यह एक त्रिबीमी संरचना है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि आपने द्विबीमा में षटकोणीय निविड संकुलन को पढ़ा था, तो यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो होगा त्रिबीमा में षटकोणीय निविड संकुलन। तो एग्जाम में जब आया आपको षटकोणीय निविड संकुलन, तो आप दो बीमा वाली नहीं लिखेंगे, बल्कि जो तीन बीमा वाली आज मैं आपको बता रहा हूँ इसी को आप लिखेंगे। इसका कारण है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में त्रिबीमी ही होते हैं, तो इसलिए त्रिबीमी को लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो त्रिबीमा षटकोणीय निविड संकुलन है उसको हम केवल षटकोणीय निविड संकुलन भी कह सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम समझते हैं कि त्रिबीमा षटकोणीय निविड संकुलन किस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो त्रिबीमा षटकोणीय निविड संकुलन है वो द्विबीमा षटकोणीय निविड संकुलन से ही प्राप्त किया जाएगा। आप नाम से ही रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त किया जाएगा इसका एक निश्चित पैटर्न होगा और उस पैटर्न को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है द्विबीमा षटकोणीय निविड संकुलित प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को व्यवस्थित करने पर दो प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझा दिया था कि द्विबीमा षटकोणीय निविड संकुलन की प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले उस पिछली वीडियो को देखें, फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जब द्विबीमा षटकोणीय निविड संकुलन की प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को रखते हैं तो दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, जिसमें से एक प्रकार को हम कहेंगे चतुष्फल की रिक्तियां और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं अष्टफल की रिक्तियां। अब तृतीय परत को रखते समय हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है कि हम चाहें तो तृतीय परत द्वारा चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन करें या फिर अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करें। जब तृतीय परत द्वारा चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन किया जाता है तो प्राप्त होता है त्रिबीमा षटकोणीय निविड संकुलन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इस प्रकार उत्पन्न चतुष्फल की रिक्तियों का तृतीय परत द्वारा आच्छादन करने पर त्रिबीमी षटकोणीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि त्रिबीमा षटकोणीय निविड संकुलन हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब समझेंगे यहाँ पे पैटर्न या व्यवस्था क्या होती है। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे व्यवस्था लिखी गई है AB व्यवस्था। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर आपको द्विबीमा निविड संकुलन की एक परत दिखाई गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिक्तियाँ हैं, मतलब गोलों के मध्य का ये जो खाली स्थान है इनको हम कहते हैं रिक्तियाँ। और यहाँ पे आपको दो प्रकार के रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, एक सीधे त्रिकोण आकार की रिक्तियाँ और एक उल्टे त्रिकोण आकार की रिक्तियाँ, सीधे त्रिकोण आकार की रिक्तियाँ और उल्टे त्रिकोण आकार की रिक्तियाँ। जब दूसरी परत को हम रखते हैं तो हम या तो सीधे त्रिकोण वाले रिक्ति पर रख सकते हैं या फिर उल्टे त्रिकोण वाले रिक्ति पर, अर्थात जो दूसरी परत होगी उसको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि दूसरी परत के गोले
या तो सीधे त्रिकोण वाले रिक्ति के ठीक ऊपर आए या तो उल्टे त्रिकोण वाले रिक्ति के ठीक ऊपर आए। तो देखिए यहां पर एक त्रिकोणीय रिक्ति को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब जब दूसरी परत को हम रखेंगे तो ठीक इसको कवर करते हुए रखेंगे। तो देखिए यहां पर दूसरी परत का एक गोला हमने रखा है। एक ही गोले को मैंने इसलिए बनाया है यहां पर ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरी परत में बहुत सारे गोले होंगे जैसा कि प्रथम परत में आपको दिखाया गया है। तो आप देखिए जो ये दूसरी परत का गोला है ये त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर आया है। और जब कोई गोला त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे जो रिक्ति बनती है इसको हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति। वास्तव में यदि त्रिविमीय संरचना हम देखें तो तीन गोले नीचे हैं। तो देखिए ये वाला गोला, ये गोला गोला और ये वाला गोला, नीचे वाली परत के तीन गोले हैं जो कि इस रिक्ति से संबंधित हैं। तो तीन गोले नीचे हैं जिनके बीच में एक त्रिकोणीय रिक्ति है। और जब ऊपर से हमने इस दूसरी परत के गोले को रख दिया है तो ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है ऊपर से ढक गई है, ठीक है। बीच में जो होल बच रहा है उसी को हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति जो होती है वो चार गोलों से संबंधित होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए नीचे वाली परत का या आप कहें प्रथम परत की ये तीन गोले हैं जो इस रिक्ति से संबंधित हैं और ऊपर वाली परत का सिर्फ एक गोला इस रिक्ति से संबंधित है। तो चतुष्फल की रिक्तियाँ जो होती हैं वो चार गोलों से बनी होती हैं, इसीलिए इनको चतुष्फल की रिक्तियाँ कहते हैं। या फिर आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि इन चार गोलों के केंद्रों को जब हम जोड़ते हैं तो चतुष्फल की ज्यामिति तैयार होती है, इसलिए इनको हम चतुष्फल की रिक्तियाँ कहते हैं। और केवल शार्ट में आप ऐसे ध्यान रखें कि जब चार गोलों से रिक्तियां बनेंगी तो उनको हम चतुष्फल की रिक्तियां कहेंगे। अब तीसरी परत को हमको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इन चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन हो जाए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब चतुष्फल की रिक्तियों का तृतीय परत से आच्छादन करेंगे तभी प्राप्त होगा त्रिविमा षटकोणी निविड संकुलन। अब यहाँ पे आच्छादन कैसे हम करेंगे, तो आप जानते हैं कि ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है ये पहले से ऊपर से ढकी जा चुकी है। तो इसका आच्छादन करने का कुछ तरीका ऐसा होगा कि तीसरी परत हम इस प्रकार रखेंगे कि इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर पुनः एक त्रिकोणीय रिक्ति उत्पन्न हो, क्योंकि जब चौथी परत को हम रखेंगे तो फिर से एक नए गोले को उसके ऊपर रखेंगे जिससे कि वो त्रिकोणीय रिक्ति फिर से चतुष्फल की रिक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार जब चतुष्फल की रिक्ति के ठीक ऊपर चतुष्फल की रिक्ति आएगी तो हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन हो रहा है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो तीसरी परत को जब हम व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार रखेंगे कि इस त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर एक त्रिकोणीय रिक्ति बने। तो देखिए यहाँ पर हम पहले गोले को, ये तीसरी परत का गोला है जिसको यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, यहाँ पे दूसरे गोले को, यहाँ पे तीसरे गोले को रखा है। यहाँ पे बस तीन ही गोले को रख रहे हैं क्योंकि इस रिक्ति से संबंधित तीन ही गोले हैं। आप वैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक परत में बहुत सारे गोले होंगे। अब देखिए जो ये नीले रंग के गोले हैं अर्थात जो तीसरी परत के गोले हैं इनसे फिर से यहाँ पर एक त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है। और फिर जब चौथी परत को आप रखेंगे तो फिर एक नया गोला इस त्रिकोणीय रिक्ति पर आएगा जिससे फिर वह त्रिकोणीय रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और इस प्रकार जब हम परतों को व्यवस्थित कर देंगे तो हम देखेंगे कि एक चतुष्फल की रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी चतुष्फल की रिक्ति आएगी और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन किस प्रकार करते हैं। अब देखिए इस आच्छादन के क्रम में आपने क्या किया, जब तीसरी परत को रखा तो तीसरी परत के जो गोले हैं आप देखिए एक को हटा लीजिए और देखिए जब तीसरी परत के गोले को आप रख रहे हैं तो वो प्रथम परत के गोले के एकदम ऊपर आ जा रहा है, यानी कि एकदम उसके सीध में आ रहा है। अर्थात वो तीसरी परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित है, इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रथम परत है वो तृतीय परत के समान है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निविड संकुलन में जब भी एक परत के गोले किसी दूसरी परत के गोले के साथ संरेखित हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि वे परतें समान हैं और उनके नाम भी समान रखते हैं। तो यदि प्रथम परत को ए कहेंगे तो तृतीय परत को भी ए कहेंगे।
और ठीक इसी प्रकार जो दूसरी परत होगी वो चौथी परत से समान हो जाएगी। तो देखिए पहले इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करने पर तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित हो जाते हैं, अर्थात तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। अतः प्रथम, यहाँ पे परत लिखना चाहिए, अतः प्रथम परत को यदि ए कहा जाए तो तृतीय परत को भी ए कहा जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय परत चतुर्थ परत के समान होती है, द्वितीय परत को यदि बी कहा जाए तो चतुर्थ परत को भी बी कहा जाएगा। अर्थात इस व्यवस्था को या इस पैटर्न को हम कहेंगे ए बी पैटर्न। इसको एक दूसरे फिगर से आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रथम परत के गोले हैं वे तीसरी परत के गोले के साथ संरेखित हैं, और जो दूसरी परत के गोले हैं वो चौथी परत के गोले के साथ संरेखित हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे ए बी व्यवस्था। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस निविड संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या। इस प्रकार के निविड संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है। अब इस बात को समझेंगे हम कि 12 किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक द्विबीमी षटकोणी निविड संकुलन की परत दिखाई गई है। इस परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति को हमने हाईलाइट किया, इसके ऊपर दूसरी परत के गोले को रखा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी परत के एक गोले को रखा है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि क्या दूसरी परत में केवल एक ही गोला होगा? नहीं, बल्कि बहुत सारे गोले होंगे। जैसे प्रथम परत में बहुत सारे गोले हैं, वैसे द्वितीय परत में भी बहुत सारे गोले होंगे। तो दूसरी परत के कुछ गोलों को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। आप जानते हैं किसी भी द्विबीमी षटकोणी निविड संकुलन में एक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दूसरी परत में भी ये जो गोला है हरा वाला, ये अपनी परत के 6 गोलों से जुड़ा होगा या 6 गोलों के संपर्क में होगा। तो इसके संपर्क के 6 गोलों को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और भी गोले होंगे जिसको मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। और तीसरी परत में, जब तीसरी परत को हम रखेंगे तो हम इस प्रकार रखेंगे कि वो प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित हो जाए। एक बार पीछे चलते हैं, आपसे समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर रहे। तो देखिए यहाँ पर जब दूसरी परत के गोले को हमने रखा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हरा वाला गोला है वो नीचे वाली परत के 3 गोलों के संपर्क में है, यानी 3 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1, 2 और 3 गोलों को। और ये जो हरा वाला गोला है ये अपनी परत के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अभी तक उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 3 नीचे वाली परत के और 6 दूसरी वाली परत के, यानी 6, 3, 9। आप जानते हैं कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। जब तीसरी परत को आप रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसके गोले होंगे। देखिए प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आएंगे, और यहाँ पे जो देखिए बीच वाला जो ये हरा वाला गोला था वो तीसरी परत के इन 3 नीले वाले गोलों के भी संपर्क में है। यानी कि जो ये बीच वाला हरा वाला गोला है ये 3 नीचे वाली परत के गोलों के साथ जुड़ा हुआ है या उनसे संपर्क में है, और अपनी परत के 6 गोलों के संपर्क में है, और ऊपर वाली परत के 3 गोलों के संपर्क में है, और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 12। यानी कि इस व्यवस्था के लिए या इस निविड संकुलन के लिए उपसहसंयोजन संख्या 12 होगी। इसको एक दूसरे फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 परतों को आपको दिखाया गया है। ये जो बीच वाली परत है इसमें एक बीच में गोला है जो कि 6 इन हरे वाले गोलों से जुड़ा हुआ है या उनको स्पर्श कर रहा है, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की परत के इन 3 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे की परत के इन 3 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो 3 और 6, 9 और 3, 12, यानी कि उपसहसंयोजन संख्या क्या हो गई? 12, क्योंकि एक गोले ने अपने आसपास के 12 गोलों को स्पर्श किया है, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या 12 होगी।
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो निविड संकुलन है, जिसको हम षटकोणी निविड संकुलन कहते हैं, इसका नाम षटकोणी निविड संकुलन यहां पर क्यों रखा गया है। तो देखिए, इस निविड संकुलन की एकक कोष्टिका त्रिविमी षटकोण होती है, अतः इस निविड संकुलन को षटकोणी निविड संकुलन कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और शॉर्ट में कहते हैं HCP। तो अब इसकी एकक कोष्टिका की हम बात करते हैं। तो जब एकक कोष्टिका यहाँ से हम निकालते हैं, जो अभी हमने त्रिविमी षटकोणी निविड संकुलन पढ़ा, वहाँ की एकक कोष्टिका कुछ इस प्रकार की होती है। प्रथम परत के 6 गोले, द्वितीय परत के 3 गोले और तृतीय परत के 6 गोले, और इन सभी गोलों के केंद्रों को जब हम सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो एक हमको त्रिविमी षटकोण की ज्यामिति प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ पे ज्यामिति आपको दिखाई गई है, आप देख सकते हैं ये त्रिविमी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसको आप हेक्सागोनल क्यूब भी कहते हैं, और इसीलिए इस निविड संकुलन का नाम रखा जाता है त्रिविमी षटकोणी निविड संकुलन, और इसको साधारण शब्दों में केवल हम षटकोणी निविड संकुलन भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका नाम षटकोणी निविड संकुलन किस आधार पर रखा गया है। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों की, कुछ धातुओं की, जिनमें षटकोणी निविड संकुलन पाया जाता है। तो जिंक और मैग्नीशियम, ये दो ऐसी मुख्य धातुएं हैं जिनकी व्यवस्था षटकोणी निविड संकुलन की होती है। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।